नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की इस खबर में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। उसके पहले एक 3 मिनट का वीडियो है, ये आप देखिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं यासीन खान, भाजपा कार्यकर्ता। ये वीडियो के माध्यम से मैं हमारे जिला अध्यक्ष वसई विरार जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महेंद्र पाटिल जी और हमारे विधानसभा प्रमुख नालासोपारा विधानसभा प्रमुख श्री राजेंद्र नाईक अप्पा से मैं ऐसी विनती करना चाहता हूँ कि मुझे अब ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वसई विरार के जो भी वरिष्ठ है वो अब एक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि जैसा कि कल मैंने देखा कि एक अनधिकृत को हटाने के लिए, एक इनलीगल एक्टिविटी को हटाने के लिए, जैसा कि कल हमारे पूरे वरिष्ठों की तरफ से रोड को ब्लॉक किया गया और काफी कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, पूरे रोड को ब्लॉक किया गया और अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए वहां पे एक आंदोलन किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि नालासोपारा पूर्व में जो सर्वधर्म दफन भूमि, शमशान भूमि और मुस्लिम समाज का दफन भूमि, क्रिश्चियन का दफन भूमि की जगह जो आरक्षित हुई है 2011 में और सन 2013-14 में जो उसका पेमेंट हुआ है, उस जगह पर भी तो एक अतिक्रमण है, तो उसको हटाने के लिए भी हमको एक आंदोलन करना चाहिए और हमको रोड किया, हमको ट्रेन रोकना चाहिए, हमको नेशनल लेवल की न्यूज बनाना चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है, लाखों लोगों की जरूरत की चीज है। सर्वधर्म दफन भूमि 77 फुट था ये जमीन है, इस पे अनधिकृत सिर्फ इतना है कि ओनली 2 लकड़ी के घर बने हुए हैं। वो अनधिकृत होने की वजह से अभी तक यहाँ पे समाज को सर्वधर्म दफन भूमि, शमशान भूमि बन करके नहीं मिली। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं उस जगह के पास ही खड़ा हूँ। ओनली 2 लकड़ी के घर है, 2 अनधिकृत रूम बने हुए हैं, 2 लकड़ी के घर बने हुए हैं। तो हमको ये अनधिकृत जो सामाजिक मुद्दा है, जैसा कि हमारे वरिष्ठों ने कल एक कार्यकर्ता के लिए अपना प्रेम दिखाया, हम भी उसके साथ में है, वो कार्यकर्ता के साथ में, हम सब एक है। जैसा कि हमारे वरिष्ठों ने उस एक कार्यकर्ता के लिए अपना प्रेम दिखाया, वैसे ही ये लाखों लोगों की जरूरत की जो चीज है, शमशान भूमि, दफन भूमि, सर्वधर्म दफन भूमि, इस विषय को लेकर के भी हमको एक आंदोलन करना चाहिए और ये जो जगह है ये समाज को हैंडओवर कराना चाहिए। जैसा कि 5 अगस्त को मैंने हमारा क्वेश्चन किया था, हमारे पूरे साथियों ने मिलकर के, पूरे समाज ने मिलकर के, उस आंदोलन के 2 दिन पहला भी मैंने महेंद्र पाटिल जी को इन्फॉर्म किया था और हमारे राजन अप्पा नालासोपारा विधानसभा प्रमुख जो है उनको भी इन्फॉर्म किया था 2 दिन पहला कि आपको वो आंदोलन में आना है, आपकी उपस्थिति हमारे को जरूरत है, तो उपस्थिति की हमको जरूरत है। और उस दिन क्वेश्चन वाले दिन भी मैंने आप लोगों को 4-4, 5-5 फोन किया, लेकिन आप लोग वहां पे नहीं आए। उसके बाद में आपने फोन भी उठाना बंद कर दिया। तो सर, मैं ऐसी विनती करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि जो सामाजिक मुद्दे है, अभी 2-2.5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है और इस बार हमको एकदम ताकत के साथ लड़ना है और जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, तो जो सामाजिक मुद्दे है हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम सामाजिक मुद्दों पर काम नहीं करेंगे तो वोट किस मुंह से मांगेंगे? हमको हर गली जा करके, हर घर में जा करके वोट की भीख भी मांगना है, तो हम वोट किस मुंह से मांगेंगे अगर सामाजिक मुद्दों पर हम काम नहीं करेंगे? नमस्कार, इस पर ध्यान। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, अब मैं अपनी बात आपसे कहना चाहूंगा। 3 मिनट का ये वीडियो है, ये वीडियो पोस्ट किया है यासीन खान ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं और उनको अभी पद मुक्त किया गया है। फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और इनको पदमुक्त किया गया है। ये बताया गया जाकर कि इन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां की जिससे पार्टी का नाम खराब हो रहा है। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस बात पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन यासीन खान ने इस वीडियो में जो सवाल उठाए और साथ ही साथ कल से मैंने जो वीडियो डाला था उस पर जो कमेंट आ रहे, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किस तरह से इस पूरे मामले में अब भारतीय जनता पार्टी भी गिरती हुई दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सवाल या निशान। मैंने कल भी अपने वीडियो में सवाल उठाए थे, वो जायज सवाल थे कि इस तरह से क्यों, लेकिन और भी सवाल उठे हैं तो उसी का जिक्र मैं कर रहा हूं। तो शुरू करें तो बात यह है कि यासीन खान ने अपने वीडियो में कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ये है, इन्होंने आंदोलन किया, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसके बारे में इतना जरूर बता दूं, पिछले महीने 5 अगस्त को यासीन खान और उनके साथ कुछ लोगों ने, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नहीं किया था, सर्वधर्मी दफन भूमि का एक संघर्ष समिति के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ा आमरण उपोषण वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर किया था 5 अगस्त को, और उस मुख्यालय में लगभग लगभग हर पार्टी के बड़े
पदाधिकारी आए थे, उसका भी हमने खबरें लगाई थी, कवरेज किया था, आपने देखा होगा, आगरी सेना आई थी और क्या कुछ मामला हुआ था। तो उस मामले में यासीन खान का ऐसा कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और तब पद पर थे, अल्पसंख्यक कानून के पास पद है, तब उन्होंने अपने वरिष्ठों को, जिलाध्यक्ष को और दूसरे लोगों को उस आमरण उपोषण को अपना समर्थन देने का उन्होंने पत्र दिया था, निवेदन किया था, उनको बताया था, लेकिन वहां कोई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का नहीं पहुंचा। तो यासीन खान का सीधा सीधा ऐसा कहना है कि जो मामला सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी जो वसई विहार में है और जो भावी विधानसभा चुनाव के भावी विधायक के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं थी, उसके उस पर समर्थन नहीं था। जबकि जो कल ये मामला हुआ जिसमें प्रतीक चौधरी के साथ जो मारपीट हुई, वो मारपीट गलत है और जो कुछ हुआ उसके बारे में वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसमें इन पदाधिकारियों ने वहां जो मारपीट हुई उसका एक विशेष बिंदु यह है कि वो मारपीट को लेकर पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी कंप्लेन दर्ज हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया वो आंदोलन किया खाऊ गली जो इल्लीगल है उसको तुड़वाने के लिए। तो यासीन खान ने वही सवाल उठाया कि जब खाऊ गली इल्लीगल है उसको तुड़वाने के लिए आप वसई में आंदोलन पर बैठ सकते हो और बगैर किसी तैयारी के, तब वहां इस तरह से आंदोलन हुआ था, वहां पर भी उस कब्रिस्तान, उस सर्वधर्मी दफन भूमि, दहन भूमि जो है उस पर भी दो अनधिकृत बांध काम है और वही अनधिकृत बांध काम निष्कासित नहीं हो रहे, कल के वो सर्वधर्मी दफन भूमि अलॉट नहीं हो पा रही है, तो उनको निष्कासन के लिए क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस तरह से अपना आंदोलन या समर्थन कर रहे हैं। खैर, यासीन खान ने इस तरह से वो अपने वीडियो में उन्होंने किया है, आपने देखा है। इसके बाद क्या हुआ, 5 अगस्त को उन्होंने जब यासीन खान को समर्थन नहीं दिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद भरत राजपूत जो कि वो भी भावी आमदार के, उन्होंने वहां बैनर लगाया तो उनके बैनर वहां से फाड़े गए। इस पर जब यासीन खान ने आवाज उठाया तो यासीन खान को पार्टी से यह करके निष्कासित कर दिया गया कि पार्टी की वो छवि धूमिल कर रहे हैं। तो यासीन खान को अपने पद से हटा दिया गया। यासीन खान ने उस समय हमारे चैनल पर भी आकर वो व्यथा सुनाई थी कि किस तरह से पार्टी के लोग सामाजिक मुद्दों पर अपना समर्थन नहीं देते। तो वो तो हुआ इनका अंदरूनी मामला। और अभी जो यासीन खान ने फिर एक बार मुद्दा उठाया उसकी बात अब बात करें कि मैंने कल खबर लगाई। खबर लगाने के बाद मैं खबर को अब तक कई करीब करीब 5,000 लोग देख चुके हैं और 5,000 लोगों में से कई लोग बेबाकी से अपनी राय दे रहे हैं। तो उस राय में कल भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे विपरीत चली गई वो बात है, वो ये बात है कि इस समय महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेशोत्सव शुरू हो चुका है, आज गणपति स्थापना हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का और इसका झंडा हमेशा ऊंचा रखती है और हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन उसकी यह गलती उसको भारी पड़ने वाली है कि कल यानी आज, पहले आज की बात करें, आज स्थापना हुई है तो कल गणपति की मूर्ति का आगमन हो रहा था। अक्सर घरों में कल गणपति जी की मूर्ति लाई गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने वसई वाभोला और स्टेशन जाने वाला रास्ता जो पूरी तरह से ब्लॉक किया 5 से 6 घंटे, उससे कई गणेश भक्तों को तकलीफ हुई है, लोगों को वहां से निकलने में परेशानी हुई है और इस चीज को अपने कमेंट में लोगों ने हाईलाइट किया है। तो यह चीज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के को उल्टी पड़ती दिख रही है। आप देख सकते हैं कमेंट है, हर एक कमेंट को यहां पढ़ पाना आसान नहीं है, लेकिन लोगों ने इस चीज को साफ साफ लिखा कि ऐसे त्योहार के टाइम पर इनको अगर आंदोलन करना था तो महानगर पालिका के बाहर जाकर करते थे, लेकिन इन्होंने बीच सड़क पर किया और सड़क पर भी त्योहार के टाइम में, जिस त्योहार के टाइम में लोगों को अपने इष्ट देव की मूर्ति लाने ले जाने में कितनी लाने में कितनी तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, तो ये चीज लोगों ने यहां मार की। तो काफी बड़ा इसका असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव पर, आने वाले दिनों पर। भारतीय जनता पार्टी यहां एक माने में फ्रंट फुट पर जाकर भी बैकफुट पर हो गई।
रही बात जो कार्यवाही होने की नहीं, वो कल आपने देखा है क्या होगा नहीं होगा, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। और अनधिकृत बांधकाम की भी बात हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अनधिकृत बांधकाम को तुड़वाने के लिए ही अगर यहाँ की पार्टियां आंदोलन करती है तो फिर क्या सामाजिक मुद्दे वसई विरार में खत्म हो गए, एक सवाल तो है ही। क्योंकि वसई विरार में और कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, लोगों को अनधिकृत बांधकाम जरूर दिखता है। खड़ा खाओ गली का विषय है वो अनधिकृत बांधकाम का है, और वैसा ही लेकिन यहां भी वापस वही यासीन खान की बात को याद करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यहां भी कहीं ना कहीं इस मामले में भी पार्टी की एक मत नहीं होकर अलग अलग मत है। जहां सामाजिक मुद्दा है वहां अनधिकृत बांधकाम भी पार्टी को उससे लेना देना नहीं है ऐसा लगता है, और जहां सामाजिक मुद्दा नहीं है, जहां कुछ राजनीतिक मुद्दा है, वहां जरूर पार्टी के लिए अनधिकृत बांधकाम भी हो तो वो भी एक मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में जो है वो काफी आगे इन हरकतों के बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वसई विरार में फ्रंट फुट पे जाने का मौका मिलेगा, ये कहना आसान नहीं, ये कहना उचित नहीं है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही। वैसे भी वसई विरार में लोग पहले से आरोप लगाते आए हैं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी की सांठगांठ की, कि यहां दोनों की सांठगांठ रहती है। लोकसभा में बहुजन विकास आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करती है, तो वहीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी की बी टीम के तौर पर काम करती है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी दोनों पर लगता है। हालांकि कल दोनों आमने सामने थी, लेकिन फिर भी आने वाले चुनाव में और आने वाले दिनों में इसका कितना असर पड़ेगा वो देखेंगे। तो अब आज विदा लेते हैं यहीं पे, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार आपको और फिर बता दें कि कल काफी मामला बड़ा था, और ऐसे ये गणपति महोत्सव के समय में इस मामले में जाते जाते एक सवाल प्रशासन पर भी, प्रशासन पर यह सवाल है कि जिस तरह से कल जो कुछ हुआ खींचा तनी हुई उसके बाद क्या किसी तरह का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए था, क्या कानूनी काम में बाधा जो हर एक जगह पर अप्लाई होता है यहां अप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए था। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन फिर भी चुनाव में जरूर इसका असर पड़ेगा इतना जरूर कह सकते। तो अभी के लिए विदा लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।